भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने भी ये कहा कि ये समय आ चुका है जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को रिस्टोर करने का। मैं आपको बता दूं कि अक्सर खबर में कई बार अगर कोई किसी पॉलिटिशियन को कोट किया जाता है तो उस पर शक भी कर सकते हैं लोग, ये कह सकते हैं कि क्या पता उन्होंने यही कहा हो, क्या पता ये नहीं कहा हो। लेकिन ये जिस खबर की मैं आप तक बात कर रही हूँ, ये आर्टिकल जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने खुद लिखा है और उन्होंने क्या क्या कारण बताए हैं कि इंटरनेट जम्मू कश्मीर में रिस्टोर हो जाना चाहिए, मैं वो भी आप तक पहुँचा दूँ। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि इस समय में भी जम्मू कश्मीर में ना ही लोगों ने पत्थरबाजी की ना ही आज़ादी के नारे लगाए। ये दर्शाता है कि समय आ चुका है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए और साथ ही में ये कहा कि लोगों ने ये जो सपोर्ट किया है इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। वो करना क्या चाहिए, वो ये कहा है कि सर्टेन हार्श मेजर्स लाइक डिनायल ऑफ 4G सर्विसेज विच वर नेसेसरी अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कैन नाउ बी डन अवे विद एज द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी ऑपरेटर्स आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। यानी कि साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक लगाई गई, एक हार्श मेजर लिया गया, वो इसीलिए लिया गया था ताकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो जम्मू कश्मीर में बन गए थे उन्हें कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है वो इस हद तक नॉर्मल हो चुकी है कि ना ही यहाँ पर कोई पत्थरबाजी करता है, ना ही यहाँ पर कोई आज़ादी के नारे लगाता है, जिसे देखते हुए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जम्मू कश्मीर में हैं वो मोर देन केपेबल है कि अगर कोई भी सिचुएशन अराइज होती है जम्मू कश्मीर में तो वो उससे डील कर सके। अब 4G का जम्मू कश्मीर में ना होना, इस तरीके के हार्श मेजर्स की ज़रूरत जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत कुछ देर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडलिंग करें इन यूनिट्स की। यानी कि कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है इसीलिए 4G इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो भारतीय जनता पार्टी के राम माधव हैं उन्होंने ये लिखा है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के चलते 4G इंटरनेट पर रोक लगाई गई बिल्कुल सही है और कानून इसकी इजाज़त भी देता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब वो सर्कमस्टांसेस जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस जा चुके हैं, इसीलिए अब समय है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में फुल फ्लेश पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी शुरू किया जाए। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि 4G इंटरनेट को भी जम्मू कश्मीर में वापस से शुरू करने का समय आ चुका है। उसके अलावा भी उन्होंने आर्टिकल में बहुत सारी बातें की, वो भी आप तक ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने तो 4G इंटरनेट की जो मांग जम्मू कश्मीर के युवा कर रहे थे उसे तो सपोर्ट किया ही किया है। ये कहा भी है कि अब समय आ चुका है जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रिस्टोर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रेस्टोरेशन को लेकर, उसमें एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। उस हाई पावर्ड कमेटी में होम मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी जो हैं वो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन बनाए जाएंगे उस कमेटी के। तो उस कमेटी ने ही फैसला लेना है कि क्या 4G इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाता है या नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी का ये आर्टिकल में लिखकर ये कहना कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट शुरू करने का समय आ चुका है, ये एक अच्छा संकेत है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए जो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही मैं ये भी आपको बता दूं कि मई 21 है आज, मई 27 को जो है होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर दोबारा से रिवाइज होना है, जिस ऑर्डर के तहत या तो 4G इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर किया जाएगा या तो 2G इंटरनेट को ही जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया जाएगा। तो अक्सर हमने ये देखा कि दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हुई, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देनी थी या सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग होनी थी और जब होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर आना था, दोनों एक ही दिन पर होता था। अब ये भी देखना है कि जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी उसका क्या फैसला होता है और जो होम डिपार्टमेंट ने ऑर्डर रिवाइज करना है उसका क्या फैसला होता है, उसमें क्या पता कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को मिले। तो साथ ही मैं आपको और भी बता दूं कि और क्या कुछ इस आर्टिकल में नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के राम माधव ने और क्या कुछ कहा। तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर ने अब ये डिसाइड किया है कि जो नया स्टेटस जम्मू कश्मीर का है उसे भी एक चांस दिया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वो जो अनसर्टेनिटी थी जम्मू कश्मीर में उसे खत्म कर दिया है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए को लेटर और स्पिरिट में खत्म करके, और ये कहा कि अभी तक जो जम्मू कश्मीर के लोग थे वो पिछले 7 दशकों से आर्टिकल 370 के साए में जी रहे थे और अब उन्होंने ये भी कोशिश की है कि वो इस नए स्टेटस को भी एक चांस दें। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीनों से ये पूरा रीजन जो है ज़्यादातर शांत रहा है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी भी कई सारे वो लोग जो सरकार के हर एक बात पर सवाल उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, वो ये कह सकते हैं कि जो शांति जम्मू कश्मीर में है, इस शांति का कारण ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर जो लीडर्स है क्योंकि वो अरेस्टेड है इसीलिए जम्मू कश्मीर में शांति है। लेकिन उस पर भी इन्होंने कहा है कि लगभग 6 डज़न पॉलिटिशियंस, सीनियर लीडर्स जो हैं, और उसके अलावा मोस्टली जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें छोड़ दिया गया है, केवल 6 डज़न पॉलिटिशियंस हैं जो अभी भी अरेस्टेड है, बाकी सभी को रिलीज कर दिया गया है। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जो प्रेजेंस है उसे भी काफ़ी हद तक वापस कर दिया गया है, रोल बैक कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो ना ही सड़कों पर आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ना ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। आर्टिकल 370 और डोमिसाइल रूल्स पर भी उन्होंने लंबी बातचीत करते उन्होंने एक डिटेल में जो है वो लिखा है और ये कहा है कि जो अनसर्टेनिटी है वो तो ख़त्म हो गई ही, और साथ ही में ये भी कहा है कि जो नई डोमिसाइल क्वालिफिकेशन जो है जम्मू कश्मीर की वो जस्टिफाई करती हैं आर्टिकल 35 ए का और आर्टिकल 370 का ख़त्म होना। आर्टिकल 35 ए जब तक जम्मू कश्मीर में था उस समय तक परमानेंट रेजिडेंट की जो कैटेगरी है वो जम्मू कश्मीर में थी, जो कि एक हथियार बन चुका था अलग अलग राज्य की सरकारों के हाथों में, ताकि उसके ज़रिए उस हथियार का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में रहने वाले कई लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नहीं मिल पाए। और ये भी कहा कि वो इतने सालों से जम्मू कश्मीर में, दशकों से जम्मू कश्मीर में वो लोग रह रहे थे, जब से जम्मू कश्मीर जो है वो एक्सीड किया था इंडिया के साथ तब से वो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उनके फंडामेंटल राइट्स तक नहीं मिले क्योंकि जो राज्य सरकारें थी वो आर्टिकल 35 का इस्तेमाल करती रही अपने फ़ायदे के लिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो डोमिसाइल स्टेटस एक्सटेंड किया गया है जम्मू कश्मीर में वो केवल PRC होल्डर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें उनके फंडामेंटल राइट्स से वंचित रखा गया था अभी तक। उसके अलावा उन्होंने कहा कि रेफ्यूजीज जो हैं वेस्ट पाकिस्तान के, जो जम्मू रीजन में आ गए थे पार्टीशन के दौरान, मेजॉरिटी जिनमें से शेड्यूल कास्ट है, अब वो डोमिसाइल जो है डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, वो डोमिसाइल ले पाएंगे। और जो 1971 के रेफ्यूजीज थे छंब के, उन वो भी एलिजिबल हो गए हैं, वो भी जो है डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा जो सफाई कर्मचारी जम्मू कश्मीर में थे वो भी लार्जली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर में बुलाया गया था 1950 में, और उन्हें परमानेंट रेजिडेंट कैटेगरी से वंचित रखा गया था, उन्हें भी जो है स्टेट सब्जेक्ट का राइट उनके पास नहीं था। ताकि और उसके अलावा उन्होंने कहा जो गुरखाज हैं या जो बच्चे हैं कश्मीरी पंडित्स के जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, अब वो भी डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही में वो बच्चे जो कि एक रेजिडेंट मदर और एक नॉन रेजिडेंट फादर, यानी कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली जो डोमिसाइल एक माँ है, या लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो जम्मू कश्मीर के नहीं भी हो सकते, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ही कहलाएंगे। उसके अलावा ये कहा गया कि POK से जो लोग थे जो जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के अन्य अन्य भागों में रहना शुरू कर गए थे वो भी अब डोमिसाइल बन सकेंगे जम्मू कश्मीर का। इस नई डोमिसाइल पॉलिसी में ऐसा राम माधव का कहना है कि सभी गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए ही रिजर्व की गई हैं, और सिनेरियो में ये जो नए रूल्स हैं ये एक भारी तादाद में जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है उनकी मदद करेगा और उन्हें बेनिफिट करेगा। कई सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स जो है वो लिए गए हैं जिसकी वजह से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की ट्रेजेडी ये रही है कि अक्सर यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो टेररिस्ट के मर जाने पर, या टेररिस्ट के जो अकॉम्प्लिसेस हैं उनके मर जाने पर आंसू बहाते हैं, या लेकिन भारतीय जनता पार्टी है उसने ये कोशिश की है कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नज़रिए से ना देखें, टेररिज्म के नज़रिए से ना देखें, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो मिलियंस ऑफ पीपल रह रहे हैं, जो करोड़ों की तादाद में लोग रह रहे हैं, उन लोगों के नज़रिए से जम्मू कश्मीर को देखा जाए, जिन्हें ना ही टेररिज्म से ना ही सेपरेटिज्म से कोई लेना देना है,
बल्कि वो भारत में भारत के पीसफुल सिटीजन होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोशिश की गई है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कि जो 12 मिलियन इनहेबिटेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें भी जो है उन्हें उनके नज़रिए से देखा जाए, ना ही किसी और के नज़रिए से। तो उन्होंने ये पूरे इस आर्टिकल में लिखा है, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट इसमें यही कि जो 4G की डिमांड है, जो 4G की डिमांड जम्मू कश्मीर के लोग भी तब से रख रहे हैं जब 5 अगस्त के बाद से इंटरनेट कम्प्लीटली पहले जम्मू कश्मीर में बंद किया गया, उसके बाद पहले इंटरनेट भी बंद था, और कश्मीर डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो फ़ोन कॉल्स भी बंद थी, फ़ोन कॉल्स के अलावा ब्रॉडबैंड भी बंद था। धीरे धीरे जो है रिलैक्सेशंस दी गई, पहले लैंडलाइन रिस्टोर की गई, उसके बाद पोस्टपेड मोबाइल जो है BSNL को रिस्टोर किया गया, उसके बाद धीरे धीरे जो है जम्मू में भी 2G को रिस्टोर किया गया। पहले 5 डिस्ट्रिक्ट में 2G को रिस्टोर किया गया था, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, कुछ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, वहाँ पर 2G को रिस्टोर किया गया, लेकिन केवल व्हाइट लिस्टेड वेबसाइट्स के लिए। उसके बाद लगातार जब ऑर्डर्स रिवाइज होते थे तो व्हाइट लिस्टेड वेबसाइट्स का नंबर बढ़ा दिया जाता था। उसके बाद जब उस पर भी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया तो 2G इंटरनेट को रिस्टोर किया गया सभी वेबसाइट्स के लिए, यानी कि सोशल मीडिया पर भी जो बैन लगा था उसे भी हटा दिया गया। और तब से लेकर अभी तक वो ये सब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर जो हैं अनुराधा भसीन, उन्होंने एक PIL दर्ज की और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो इंटरनेट है वो राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद से जो है 2G इंटरनेट पहले, और उसके बाद धीरे धीरे जो है 2G इंटरनेट के ऊपर ही मॉडिफिकेशंस आए और उसे जम्मू कश्मीर रिस्टोर किया गया। दोबारा से जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स के द्वारा, और उन्होंने भी ये मांग की कि इस समय कोरोना वायरस लॉकडाउन है, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है, हाई स्पीड 4G इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर किया जाए। ये भी सजेशन उन्होंने दी कि ट्रायल बेसिस पर जो है 3G इंटरनेट को या 4G इंटरनेट को ही जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार की भी बात सुनी, पिटिशनर्स की भी बात सुनी और ये फैसला लिया कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए। कमेटी में केवल स्टेट लेवल के ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल दोनों जो है ऑफिसर्स मौजूद हों, सेक्रेटरी दोनों लेवल के मौजूद हों, और वो ये डिसीजन लें कि जम्मू कश्मीर में क्या 2G इंटरनेट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें कंटिन्यू रखना ज़रूरी है या नहीं। तो वो फैसला भी अभी आना बाकी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखते हुए अपना ओपिनियन ये जाहिर किया है कि अब समय आ चुका है जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को रिस्टोर करने का। अब इंटरनेट रिस्टोर होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कब तक होता है, या आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल खबर बस इतनी ही। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त।